आज हमारी उपस्थिति बिहार के बक्सर जिला चौसा प्रखंड के अंतर्गत सोनपा गांव में है, जहां पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमारे बीच राजपुर विधानसभा के विधायक मिस्टर विश्वनाथ राम मौजूद है। मैं जानना चाहता हूं कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आप इस गांव में पधारे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? आज तेरहवीं का कार्यक्रम है, मिस्टर जो रविकांत जी हैं उनका आज तेरहवीं का कार्यक्रम यहाँ है, उस तेरहवीं में पधारे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ इसके पीछे क्या रीजन है। सर, पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। सर, क्या रीजन है कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद आप इस गांव में पधारे हैं? मेरे रीजन स्पष्ट है कि मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, मेरा जन्मभूमि यही है और जन्मभूमि यही होने के कारण स्वाभाविक है कि हर परिवार से अपना एक अलग संबंध होता है, तो इस परिवार से मेरा अटूट संबंध है, दो पीढ़ी तीन पीढ़ियों का संबंध है, हम लोगों का बनाया हुआ संबंध ही, हम लोगों के पूर्वजों के स्थापित संबंध है, तो इस संबंध को कोई झुठला नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है, आपने कहा कि बिजी शेड्यूल होने के बाद, यह सही है कि मेरा क्षेत्र जहाँ से मैं जीत के आया हूँ वो राजपुर है, और राजपुर का दिन भर शेड्यूल कार्यक्रम होने के चलते मैं लेट से पहुँचा हूँ, नहीं तो इस परिवार की दुख की घड़ी में मुझे सुबह से ही साथ होना चाहिए था, लेकिन इस परिवार से भी मैं क्षमा मांगूंगा कि भाई हम लोगों ने, आप लोगों ने मुझे सामाजिक दायित्व के लिए बाहर भेजा है, इसी सामाजिक दायित्व को निर्वहन करने में मैं अपने क्षेत्र में था, फिर लेट से ही सही अपने परिवार के बीच आया हूँ। मिस्टर रविकांत जी का सामाजिक जीवन कैसा रहा सर? मिस्टर रविकांत जी आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, हमारे छोटे भाई थे। इस परिवार से मैं पहले ही कहा कि इस परिवार से एक गजब का हम लोगों का संबंध है, लेकिन रविकांत के विषय में जहां मैं कहूं, रविकांत एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनको हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया उन्होंने, सब चाहे कोई जाति धर्म मजहब हो सबको साथ लेके चलने का प्रयास उन्होंने किया है, और उसी का परिणाम है कि मैं समझता जरूर इतना हूँ कि उनके देहांत के बाद पूरा सोनपा गांव गमगीन है, इतना जरूर मैं कह सकता हूं दावे के साथ, ऐसा कोई नहीं, इनका दुश्मन तो कोई होगा नहीं मेरे समय से, इतने मिलनसार मृदुभाषी थे, इनका कोई दुश्मन नहीं, सभी लोग इनके आज जाने के बाद सभी लोग दुखी हैं, पूरा सोनपा गांव दुखी है, और उसी हम तो परिवार के कड़ी में हैं, तो इसीलिए भाई मेरा दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन सोनपा गांव के लोग चाहे किसी जात धर्म मजहब के लोग हों, रविकांत के मृत्यु के बाद सभी लोग गमगीन हैं। सर, उनके परिवार के साथ जो है यदि जरूरत पड़ी सहयोग का, तो आपका क्या राय है कभी भी? भाई, गांव का जो संबंध होता है, गांव के संबंध में सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं तभी गांव कहलाता है। शहर में होता है कि कोई आपके बगल में मर गया तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन गांव में है कि आप, हम अकेले हैं, बीमार पड़ गए तो चार आदमी खटिया पर उठाकर ले जाने के लिए अस्पताल तैयार बैठे हैं, ताकि आपको यही गांव का माहौल यही है, समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि गांव का जो माहौल होता है सभी लोग है, सभी लोग एक वर्ग के लोग जो हों चाहे दूसरे वर्ग के लोग हों, सभी लोग दुख की घड़ी में साथ सम्मिलित रहते हैं, उसी का परिणाम है कि जब रविकांत जी, भगवान न करे इस परिवार में कोई ऐसी अब कोई घटना घटे, लेकिन यदि विश्वनाथ राम का मदद इस परिवार को जब लगेगा, जरूरत महसूस होगी, विश्वनाथ राम इस परिवार से जुड़ा है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इस परिवार से जुड़ने के बाद मैं जितना सेवा सहयोग सहायता करने के लिए जरूरत पड़ेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो इस परिवार का बच्चा है वो मेरा बच्चा है, परिवार गांव का बच्चा नहीं, रविकांत का बच्चा ही नहीं है, वो पूरे गांव का बच्चा है, विश्वनाथ राम का बच्चा है, और जितना सहयोग करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर का उत्तम विचार आपने सुना कि ये रविकांत जी का परिवार ही नहीं है बल्कि मेरा भी परिवार है, और कहीं न कहीं इनकी 100% सहानुभूति इस परिवार के साथ है। नमस्कार, शुक्रिया।